आज बता रहे हैं टेम्परेचर कन्वर्जन, तापमान का परिवर्तन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे चार स्केल है, सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है, केल्विन है और रिमर है। यहाँ पे इसका रिलेशन देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फॉर्मूला है, सी फॉर सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है, केल्विन है और रिमर है। यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, इस शॉर्ट कोड को आप याद करके टेम्परेचर का कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई टेम्परेचर है सेल्सियस में दिया है 30 डिग्री, अब इसको चेंज करना है फॉरेनहाइट में, इसके लिए क्या करेंगे, चाहे तो आप सी और एफ का रिलेशन इसे सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट एफ का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एफ का है 9/5 × C + 32, 9/5 रहेगा और सी फॉर सेल्सियस है और सेल्सियस कितना दिया है 30 डिग्री, प्लस यहाँ 32 रहेगा, 5 से 30 कट होगा 6 टाइम्स में, 9 × 6 = 54 + 32 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 86, 5 × 3 = 8 + 4 = 6 हुआ, ये आंसर बनेगा। एक और एग्जांपल देखेंगे, दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं, अगर फॉरेन हाइट में दिया है, सपोज फॉरेन हाइट में 77 है, तो यहाँ क्या करेंगे, आपको चेंज करना है सेल्सियस में, तो सी का फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं, ये है 5/9 और यहाँ F माइनस 32, तो यहाँ लिखेंगे 5/9, F है 77 फॉरेनहाइट और माइनस है 32, सब करने के लिए 5/9 × ये माइनस करेंगे, 7 − 2 = 5 हुआ, 7 − 3 = 4 हुआ, यहाँ 9 से 45 कट होगा 5 टाइम्स में और आंसर बनेगा 5/5 = 25, ये हुआ सेल्सियस में 25 डिग्री। तो इस तरीके से किसी भी टेम्परेचर को आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं।